पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार सैफी है, इसरार सैफी। कहाँ से आप? चांदपुर से। जी चांदपुर से। सर क्या हिप दिक्कत है आपको? जॉइंट में दिक्कत है। हिप जॉइंट में दिक्कत। अच्छा, जी तो कितना टाइम हो गया उसके दिक्कत इसको को? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। अच्छा, तो 3 साल में कहीं इलाज वगैरह लिया है? कहाँ जी चांदपुर कहाँ पर? में लिया है और और मेरठ भी दिखाया है, मेरठ। दिल्ली भी दिखा गया है, सफदरजंग। अच्छा, सबने तो ऑपरेशन के लिए बोला था। सबने ऑपरेशन के लिए बोला। जी ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नहीं, है? कोई ऑप्शन नहीं था। तो तब से 3 साल से सिर्फ मेडिसिन वगैरह खा रहे मेडिसिन ही हैं। खा रहे थे सर। अच्छा, और कोई फिजिकल थेरेपी वगैरह नहीं लिया? मैं फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी ली थी। लिया था। जी उससे आराम नहीं मिला? अच्छा, उससे बस इतना ही आराम था, इतने थेरेपी हो रही थी बस। थेरेपी हो हाँ तब तक आराम जी था। जी वो एक महीना तो करवाई थी। ये एक्सरे कब का है आपका? मैं आपको उनके एक्सरे दिखा ये दूँ। नवंबर का है, पिछले ये नवंबर नवंबर का एक्सरे। ये 2021। राइट हिप जॉइंट है, ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं जैसा कि। और ये एक्सरे मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं फ़ोन में दिखा रहा हूँ। और ये लेफ्ट जॉइंट है क्योंकि पूरा ये डिफ्यूज़ हो चुका है, बॉल का शेप बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, तो 1% भी स्पेस नहीं है, मैं ऐसा कह सकते हैं। तो चलने में क्या क्या दिक्कत आ रही है और क्या क्या मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है? नीचे बैठा नहीं जाता। नीचे बैठा नहीं जाता, हाँ उखड़ो, पालथी सॉरी, नहीं लगती है। पालथी नहीं लगती। हाँ तो अभी यहाँ पर कितना टाइम हो गया आपको? अभी यहाँ हमको है 8 दिन। 8 दिन हो गया। जी आज एक्सरे करवा लिया ना आपने? तो जी मैं आपको इनका एक्सरे आज चेक कर दिखा देता हूँ लेटेस्ट। पहले ये एक्सरे है पुराना, ये देख सकते हैं लेफ्ट हिप जॉइंट का, और ये आज का एक्सरे है। इस तरह 9 जून 2022 ये आज का एक्सरे है। देख सकते हैं जैसे कि इसमें नॉर्मल था पहले से, पहले वाले एक्सरे में भी। और ये है लेफ्ट हिप जॉइंट फ्रैक्चर जो कि पहले बहुत ज़्यादा चिपक चुका था, और अभी आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें बहुत स्पेस बन चुका है और बॉल अच्छे से शो हो रही है, और जो उसका सरफेस है ना वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो ब्लड सप्लाई थी उसमें बंद हो गई थी वो फिर से चालू हो गई है। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और पैर भी आपका छोटा हो गया था ना पहले से, हाँ पैर छोटा हो गया था। और पैल्विस देख सकते हैं एकदम सीधा है, कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो स्पेस आपका बन गया, तो जी कितने परसेंट आप बोल सकते हैं कि अभी कितना रिलीफ हुआ आपको 8 दिन में यहाँ पर? 8 दिन में अभी 100 में से 30% तो आराम है। 30% तक आराम है। जी जो पेन वगैरह है ना वो थेरेपी का पेन हाँ है। वो तो थेरेपी कफिंग का पेन है। हाँ, तो जैसे ही हम लोग थेरेपी बंद करेंगे आपसे और जी आपकी मेडिसिन शुरू होगी उसके बाद से वो पेन खत्म हो जाएगा। और एक्सरे की बात रही तो जैसे कि इसमें था पहले बहुत ज़्यादा चिपक गया था, और अभी वो फ्री हो गया है। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है, जी तो जो जो एक्सरसाइज बताएंगे तो वो फॉलो करके रहना, और दवाई तो चलेगी चलेगी, तो जी ठीक डाइट बता देंगे उसको सेम लेते रहना वैसे ही। ठीक है, फिर है सर। नेक्स्ट विजिट आपको कब करनी है और कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। ओके ठीक है सर।